बोरी से है सेम। और उषा वो तो नहीं लोली? नहीं दूसरी उषा। उसने मुझे बोला था जाओ देवी के दरबार, वहाँ से फला जाएगा। बहुत कुछ चमत्कार मिला मगर मुझे समझ में नहीं, दिक्कत हो गई है। और क्या है रीजन, देवी से है या खुद जिंदगी से प्रॉब्लम हो चुका है, उससे बहुत सब उलट गया, 100 पे 0 पे आ गया। आगे दबन, आगे दबन। काश्मीर तुम जाओ, काश्मीर में पता है ना सूर्य मंदिर, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे गुफा भी मिलती है, जो लेट के जो मतलब इधर से लेट के वो बाहर आते हैं, तुम्हारा मनोकामना पूरा 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 होगा, सब अच्छा होगा। मेरी वाइफ को 3 बार दर्शन दे चुकी है वो, और 3 बार दर्शन देती है, पिंड का दर्शन होता है, पहुँचते पहुँचते जेल होता है। तो एक बार वो बोली थी कि तुम भीख मांगो चाहे कुछ भी करो चलो उनके दरबार, अगर समस्या ये है कि सब उलझन है, परिवार भी छोटे छोटे बच्चे तो जा नहीं पा रहे, जा नहीं पाता हूँ, और काम धंधा फिर से चालू, जैसे हम नहीं जा पाए, हम तो घर हमारा वहीं पास में, हम नहीं जा पाए आज तक। अच्छा खासा अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छा खासा। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप इससे कंपनी कैसा था आप, मतलब उधर से बुलावा नहीं आया अभी, चलो बुलावा आया, वो बुलावा आया नहीं अभी, कुल मिला देखा तो मैं भी कुछ थोड़ा बहुत समझता हूँ, चेहरा देखा तो लक्ष्मी अवतार दिखा मुझे, मैं सत्यनारायण भगवान का कथा वहाँ से सुनते हुए निकला हूँ, जा रहा था फटाफट कि आज का दिन देखूँ कैसा होता है। तो मुझे थोड़ा सा ये परेशानी क्यों सता रही है ये आज तक नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि जो आप खुद नहीं कर पाओगे। सुनिए, नारियल में मुझे आँख मिलता है, आँख मिला था, मैं पूजा करते समय ये कहाँ मिला था नारियल, जब मैंने पूजा किया था नारियल तोड़े थे ना, और नारियल मैंने गुजरात में मैंने पूजा किया था तो उसमें ये आँख मिला था मुझे, बजरंगबली के सामने। अच्छा, तोड़ने में बहुत, हाँ बजरंगबली के फोटो की सुनिए और मैं दिखाता हूँ, बहुत सारी दीपक में ऐसी ऐसी चीज़ें मिली कि मैं बिभोर हो गया, और उसमें मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी लड़की, मैंने खुद माता वैष्णो देवी से मांगा है, हक से बैठ के बोला है लड़की पैदा होगी, तो लड़की पैदा ही हुई, लड़का नहीं हुआ, ऐसा हुआ, हक से हुआ, हक से हुआ। मेरी जबान कभी कटती नहीं थी, क्या रीजन हो गया, कुछ गलतियाँ अपने से हुई है, उसका प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ। मैं 111 दिन के बाद रिटर्न आया हूँ, ये देखो ऐसे ऐसे मेरे को ज्योति प्राप्त होती है, ये मैं स्वयं पूजा करता था बैठ के, तो मुझे इतना कुछ कमी नहीं करना चाहिए। और क्या हुआ है मेरी नहीं समझ में आता है, मेरे हर ज्योति पे आप देखोगे तो हर चीज़ का बनता है, ऐसा देखो ज्योति है, गॉड है, ये सब ऐसे बनते हैं हमारे पास। मैं किधर से विभोर हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। आपका नाम क्या है? सचिन पांडे नाम है, सचिन पांडे। सबसे पहली ज्योति आपको दिखाता हूँ, मुझे नीलकमल ज्योति प्राप्त हुई थी, मैंने सबको दिखा दिया था, वहीं से उल्टा हो गया। मैंने 5 नारियल बांध के गणपति में उसको रखा था, उसमें से 15 दिन बाद एक नारियल अपने आप जमा था सूखा में, मैंने उसकी पूजा किया, तकरीबन बड़ा होते समय जैसे एक बच्चा बड़ा होता है वैसा पूजा किया, ज़्यादा बढ़ गया तो घर से हटा दिया। किधर हो गया ये प्रॉब्लम में आज तक नहीं, तो जो हटाए नारियल बढ़ गया तो कहाँ रखे वो, उसको लगा दिया है मंदिर में, मंदिर में ही लगा दिया था, तो अच्छी बात, मंदिर में लगाए ना। और एक गुंबद जब से गिरा तब से काफ़ी दुर्घटना घट गई है, मंदिर का काम अभी अधूरा है, अधूरा है, उसको पूरा करना है मुझे सबके सहयोग से, मगर जब मैं खुद नहीं खड़ा हूँ तो कैसे खड़ा, इतना परेशान है। देखो सॉरी, ये देखिए, तो मैं मंदिर में ज्योति जलाया था, दीपक अलग है, ज्योति अलग है, दीपक ये है इधर, ज्योति उधर, ये ज्योति है दीपक इधर, तुलसी। तो मैं देखा है आप लोगों को बैठे हुए, तो मैं बोला कि थोड़ा सा कुछ पूछता हूँ, सुनो ना, तो पूछने के इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी कोई भगवान नहीं है, सुनो ना रजेश्वर, आपसे आप भी वही हाल में जो भी तुम इतना जब प्राप्त कर सकते हो तो उसमें हम शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक काम करो, एक बार खाली हमको मिलो कहीं पे अच्छी जगह पे, तो जो हमारे ये पहली नीलकमल ज्योति मुझे प्राप्त हुई, इसमें शेर का आकार है, देखो
मैं ढूंढता हूँ कि कहीं से भी कोई भी मिले, एक बार मेरा कल्याण हो, किधर मेरी से गलती हुई। तो वो तुम एक काम करो ना, एक ऐसी जगह तुम मिलो हमको। अभी तो हम इधर भिवंडी में रहते हैं, नारा सुपारा में हम धानुबाग में थे पहले, छोड़ दिए उधर, अब भिवंडी में हम खुद का घर लिए। तो कभी ऐसी जगह पे मिलो, मतलब शांति जगह पे और अच्छे जगह पे, हम जो हमको करना है या हमको क्या देना है, सुनो मेरी बात, वो हम आपके साथ। ये पहला नारियल मेरा था, इसमें देखो दुर्गा खुद दिखती है ऊपर, तो मुझे सूखे में मिला था, इसकी पूजा मैंने किया। मैं नवरात्रि बैठाता था ना, उनका पूरा जो वो होता है, इतने बड़े होता में दीपक में बैठाया, उनका पूरा चेहरा इसमें दिखता है, दीपक तेल में, तेल में पूरा दिखता है। बहुत परेशान हो गया हो, क्योंकि देखता हूँ कहाँ से क्या कहाँ गड़बड़। चलो नहीं, टेंशन मत लो, भगवान सब सही करेगा, देवी जी का जिसका तुमने गलती। पूरी मेहनत करके 100 तक ले गया था और वहीं से रिटर्न हो गया, जब से आगे नहीं हो पाया, पूरा एकदम डिसबैलेंस हो गया। फिर से नीचे परिवार लोग, भले परिवार वाले थोड़ा सा आगे पीछे, किसी की कमाई कोई नहीं देखना चाहता है, कुछ परेशान करता है, मगर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बुला गया। 3 बच्चे हैं, उसमें एक लड़का है, 2 लड़के हैं, एक लड़की हुई, उसका नाम भी वैष्णो रखा हूँ मैं, उसी मंदिर के पूजे के हिसाब से। मैंने बोला था कि जैसे मलाड में मंदिर है माता वैष्णो देवी का, उस देश में मंदिर बहुत ऊंचा बना है, हमने 10-12 लाख रुपये खर्चा किया था, अधूरे हैं अभी, पूरी नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे बहुत बार सपना आ चुका है, बहुत बार देखता हूँ हर चीज़ें, औरत भी देखती है, और गृहस्थी धीरे धीरे हो रही है। अभी तो नारायण की शरण में गए हैं, देखो मतलब खाने पीने शाकाहारी नहीं, मांसा हम लोग खाते ही नहीं, मांसाहारी बिल्कुल नहीं खाते, हमारा घर परिवार कुछ भी नहीं खाते, हम लोग हमारे बच्चे देख ले तो उल्टी कर देते हैं, ऐसे बच्चे हैं हम लोग के, पूरा टोटल गुरु इष्ट है विष्णु जी का। अभी उनकी पूजा करना चालू किए हैं, तब से थोड़ा थोड़ा साधारण रूप से हम लोग सही है, मतलब उतना भी बजट बनेगा। जैसे कुछ लोग साकार लेते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, होता हो पाता है। तुम ये सामान अपना रखो अपने पास 24 घंटा, मेरी बात सुनो, अपन को ऐसे नहीं भगवान है, लेकिन जो गलतियाँ हैं अपनी वो दिल में सोच के इसको पूजा पे। गलतियाँ है, मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई हम बता रहे ना, हम भी बताए, मैं समझ है गलती, ऐसी गलतियाँ हो गई जो कि नहीं समझना चाहिए था, वहाँ हम समझ चुके, यही मैं बता रही हूँ ना तुमको, वही से उतर चढ़ाओ। मैं क्या अभी तुमको बोलने, मैं ऐसा कोई बैठा रहे ना, तो जैसे कि पूजा पाठ के हिसाब से नवरात्रि गणपति रहे या कुछ रहे, पूजा रहे, तो ये हो कि मुझे उसके पूरा शरीर का जाऊँ और मांस काट के लेके आऊँ, खून पीने की इच्छा हमेशा रहे, मदिरा पीना रहे, शमशान में जाने की इच्छा रहे, बहुत कुछ रहे, और वो दिखे भी मुझे, मगर ये तो मेरी वाइफ मुझे रिटर्न लेके आई, नहीं तो मैं तो कहाँ से कहाँ चले गया, मैं अपनी तकलीफें किसी को बताता नहीं कभी। नहीं नहीं, अच्छी बात है, नहीं नहीं तो कैसा है ना कि वो अलग ही दुनिया मेरी भाग गई थी। नहीं, इसको तुम पकड़ो, इसको रखो तुम, हाँ, और उसके बाद में क्या है, हाथ में लो इसको, दाहिने हाथ में, और इसको शाम में घर पे जाना, और उसके बाद में हम नहावा लेना, और इसको पूजा करके मंदिर में रख के पूजा करके फिर अपने पॉकेट में इसको 24 घंटा रखना, 15-20 दिन 21 दिन रखो, उसके बाद रखने के बाद में कैसा तुमको समय, मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा दिमाग में, वो करोड़पति और दौलतपति की बात नहीं, अपना दिमाग की आपकी बता रही, जो गलती तुम्हारी हुई है ना वो बता रही तुमको, फिर कैसा तुमको समझ में आएगा हमको एक बार फ़ोन करना जरूर। और पूरा रख, अच्छे से अपने रख, बस मालिक चाहेंगे, माता रानी चाहेंगे, सब तुम्हारा अच्छा होने वाला है, ये कार्ड पकड़ो मेरा, हमको फ़ोन करना जरूर, मगर ये बात अभी घर में किसको नहीं बताना कि कोई सामान मैं लाया हूँ, बच्चे जान जाएंगे, चलेगा, मगर बीवी को तो जिंदगी में नहीं अभी बताना, 21 दिन के बाद ही जाएगी। हाँ, जब तक थोड़ा, अगर जैसे अभी अभी तुम कैसे, तुम्हारा हाल कैसा चल रहा है घूमने फिरने में, या जगह जमीन के बारे में, या मंदिर माता के बारे में दिमाग में एड करके, जैसे अभी अपन यहाँ बैठ गए, ऐसा फिरते चलते रहो, कुछ समझ में आता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ भगवान, वैसा ये सब बात जब सोच, नहीं सोचने में कुछ अच्छी बात याद आने लगी,
फिर तुमने बताना, वो पहले हमको फोन करना कि शबनम थोड़ा तो हमको कुछ लग रहा है ऐसा कि शांति, हमको बताने बाद में भी अपनी औरत को बता सकते हो, बाकी पूरे घर में जान जाएंगे, माँ बाप सब जान जाएंगे, मगर औरत को ये बात नहीं बताना। ये मंदिर में आज ही रखना, आज ही पूजा करना, पूजा करके और जो उसको तुम्हारे दिल में होगा मोहब्बत उनका नाम लेके अपने पाकिट में रख लेना, कहीं भी रहना साथ में उसको रखना 21 दिन तक। ये 15 दिन की बात कर रही हूँ मगर 21 दिन रखना इसको तुम अपने साथ, और अगर 21 दिन की 15 दिन के बाद फ़ोन नहीं करना, कुछ अच्छा भी हुआ तो फ़ोन नहीं करना 21 दिन के बाद, अगर 15 दिन में कुछ समझ में और ज़्यादा कुछ समझ में आ रहा है गलत सलत तो हमको लगे फ़ोन करना, अगर थोड़ा भी कुछ शांति मिलेगी ना तो फ़ोन नहीं करना, हमको फ़ोन करना 21 दिन के बाद ही, आज 21 दिन हुआ ना तो आज हमको फ़ोन कर देना, ऐसा है, मगर आज ही इसको तुम करो करके और चुपचाप उठाना अपनी पॉकेट में डाल लेना, सोने के टाइम में जैसे कपड़ा टांगते हो वहाँ अपना टांगा रहेगा, सुबह नहाए धोए दूसरा कपड़ा पहने दूसरे में रख लेना पर्स में, जैसा सब पर्स बदलते हो कपड़े बदलते हो वैसे वो सामान भी बदल लेना, वो सब टेंशन लेना नहीं, भगवान बहुत बड़ा है सब अच्छा होगा। अब आपसे ज़्यादा हमको कुछ नहीं आता, लेकिन हमने भी जो दिल में था हमने बोले ना गलती है तुम्हारी, बहुत कुछ पाया था हाँ, हम पहले तुरंत बताए ना आपको, इनको पहले बताई तो बोले ना हाँ हमसे है गलती। हेलो हेलो हाँ।